पाकिस्तान की जान आलिया खान, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक? मैं बिल्कुल ठीक ठाक, खैरियत से, मज़े में, टिप टॉप, बहुत ही क्लासिक किस्म की। हमारे घर में सबसे बेस्ट प्लानर खलफान है, और खलफान ने कहा कि आज हम जाते हैं इस टाइम यानी कि शाम के बाद सर्दी में फ़िश खाने, तो मैंने कहा चलें ठीक है। सो हम लोग सलमान का वेट कर रहे थे, सलमान जिम से अभी आया, और अभी हम निकल रहे हैं आगे से जाके अम्मी को पिक करेंगे, मारिया को भी हमने इनवाइट किया, तो चलें जी निकलते हैं हम। स्पॉइलर इसका लग रहा है, गरम लाशा, गरम 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 लाशा। चलो खलफान देख, चलो सलमान सर, स्टार्ट का गाड़ी को स्टार्ट दे देना सर, तवक्कुल अल्लाह। गिरी हुई है? नहीं, सही है। हाँ मिस्टर परफेक्ट प्लानर, क्या प्लान है, कहाँ जाना है? मछली खाने। मछली खाने तो कोई जहन में होगा कि कहाँ मछली खाने, कहाँ किस पॉइंट पे जाना है? हुजरा रेस्टोरेंट जाना है। अच्छा, हुजरा रेस्टोरेंट का हमने ट्राई किया था, सलमान लेकर आया था, ग्रिल लेकर आए थे ना सलमान, हाँ उसका अच्छा था, काफ़ी अच्छा था, और आज फिर हम बड़े दिनों बाद उसको ट्राई करने जा रहे हैं। तो सर्दी है और फिश आप ना खाएं, यानी कि हफ्ते में दो दफ़ा तो फिश ज़रूर खानी चाहिए, इससे आपकी काफ़ी सारी वो कमियां जो आप में रह जाती हैं, आपकी बॉडी को ज़रूरत पड़ती है, वो पूरी हो जाती हैं। हैं जी खलफान, सलमान जी, सलमान इसका ज़रा वो साउंड सिस्टम तो चेक करो यार, मैंने वो नहीं देखा इसका जो तुमने अभी नया लगवाया है इसमें। ओए होए 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 होए, शादियों का सीजन है जी, एक दिन सलमान तुम्हारी शादी भी होगी, और तुम्हारी शादी में मैं भंगड़े डालूंगी यार, बल्कि सीखेंगे, बकायदा शादी हम लोग सीखेंगे ना, डांस सीखेंगे। वाह भाई, माशाल्लाह माशाल्लाह, बड़ा ही जबरदस्त किस्म का इन्होंने घर सजाया हुआ है, ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल, इसे कहते हैं शादी। देख लो भाई, देख लो, देख लो और कुछ सीख लो, सीख लो कुछ। वाह वाह, माशाल्लाह माशाल्लाह, looking so beautiful. ये बड़ा ही प्यारी है। हाँ। बाकी जी शादियों का सीजन है, शादियां ही शादियां हैं, मतलब मौसम अच्छा है तो शादियां ही शादियां लगी हुई हैं। और यहाँ अभी अम्मी की तरफ जब हम आ रहे हैं तो यहाँ भी हमने देखा कि शादी हो रही है, लेकिन ये शादी बस गुजारे हाल शादी है। ये हाँ, इन्होंने भी लाइटिंग की हुई है, लेकिन बस ठीक है। दकाने प्रोता दालक साइड तक ही था, सो गो रही हम लग साइड तक ही यार, सवाब कौन था? ये वाला यखेदा वाट क्या? मेरे कोर वाला यखेदा, तो मज़गई कार न कही लास्ट सारा सेट तक सवाब कर दा भाई जान। और ये देखिए आगे इन्होंने बोरियां भी रखी हुई हैं, ये वाली बोरियां भी रखी हुई हैं। एज व्हाट्स गोइंग ऑन, तो किस लिए रखी हुई हैं पता नहीं, गाड़ी भी सामने खड़ी थी। और यहां मोहम्मद नंबर पर और आपको भी खड़ना उसी का ना। सलमान हो गया कि नहीं? वो सामने ही नहीं। नहीं। सो कुहाट हुजरा रेस्टोरेंट दिस साइड था, हाँ जमीन पे बैठते हैं का सिटिंग, और जमीन पे आप बड़ा रिलैक्स होकर बैठते हैं, तकिए शकिए यहाँ पे लगाए हुए हैं, यानी कि सही। करते हैं कि इनके मेन्यू में क्या क्या है और इनके रेट्स क्या क्या हैं। आ जाओ आ जाओ,
फील फ्री लाइक योर होम। भुजरा रेस्टोरेंट के जो रेट्स हैं वो भी बड़े मुनासिब रेट हैं, और मतलब फ़िश की अगर हम बात करें तो 800-900 पर केजी यहाँ की फ़िश है, और फ्राई जो है वो भी 900 है 800। इसके अलावा जनाब यहाँ पे बटेर को भी ग्रिल किया जाता है जो कि 700 रुपये किलो है, मतलब रेट इनके वाकई। और मटन कढ़ाई जो है वो तकरीबन अगर 1 केजी होगी, मतलब केजी के उन्होंने नहीं लिखा हुआ लेकिन ऐसा लगता है कि 1 केजी होगी, वो तकरीबन 2600 रुपए किलो है मटन कढ़ाई। अच्छा मुनासिब है, इनके रेट बहुत मुनासिब है, बिल्कुल भी ज़्यादा नहीं है। सलमान क्या क्या ख्याल है, मतलब कम है ना इनके रेट हैं? वो मेरे तो देने नहीं है तो मेरे लिए कम ज़्यादा क्या फ़र्क पड़ता है। देखिए खाए नहीं है, खाएंगे तो उसके बाद बात करेंगे। नहीं लेकिन रेट की अगर हम बात करें तो माजी रेट कम है ना इनके, रेट कम हो सकते हैं लेकिन अभी अच्छी तसल्ली करेंगे। टेस्ट पे जो है तो टेस्ट का फिर पता चलेगा कि टेस्ट जो आप चीज़ें खाते हैं वो कैसे हैं। हाँ कि जितनी में हमें वो दे रहे हैं तो क्या इतना उनका टेस्ट भी है या नहीं, असल चीज़ ये है ना। कोहाट हुजर रेस्टोरेंट बहुत सारी क्वालिटीज़ हैं लेकिन अब मैं अपने मुंह से आपको क्या बताऊंगी, मुझे तो ओवरऑल इसका अच्छा लगा लेकिन यहाँ पे अम्मी जान से पूछती कि उन्हें कैसे लगा। अम्मी आप क्या कहेंगी हुजर रेस्टोरेंट के बारे में? देखें कोई भी काम हो, सिर्फ ये नहीं है कि रेस्टोरेंट है, ये है कि देखो मैं यही कह रही हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह इससे बहुत सारे हमारे बच्चों को काम मिला है, रोज़गार मिला है, वो अपना काम कर रहे हैं, घर के पास हैं, जब छुट्टी होगी 12 बजे 1 बजे भी अपने घर जा सकते हैं। तो सबको हमारे अपने अपने इलाके में काम करना चाहिए, और हम बड़े शहरों में जाके तो बड़े बड़े काम करते हैं, वहाँ पे खर्चा करते हैं, तो अपने इलाके में करें ताकि हमारे इलाके तरक्की करें, हमारे लोगों को काम मिले, वो भूखे ना रहें, वो बेरोज़गार ना रहें, वो गलत रास्तों पे ना जाएं, चोरी चकारी पे ना जाएं। जब उनके पास काम होगा, सैलरी होगी, तो वो कोई भी गलत काम नहीं कर सकेगा। तो मुझे तो बहुत खुशी हुई है। बिल्कुल जी, काम और रोज़गार मिला है, मुलाजमत के मौके मिले हैं। और सलमान आप ही कुछ कह रहे थे ना, आप क्या कह रहे थे कि क्या हुआ है? मतलब इधर के जो ओनर्स हैं ना वो खुद बैठे हुए हैं ना, ज्यादातर की जो रेस्टोरेंट ओनर्स होते हैं वो खुद नहीं बैठते। अच्छा। इधर के मतलब खुद बैठे हैं, इनको मैंने मतलब इनसे मैंने बात की है। हाँ। और इनसे मतलब मैंने गपशप लगाई है तो माशाल्लाह इनका इखलाक बहुत अच्छा है, मतलब आप इनको बोलो कि मतलब ये काम वो खुद उठ के जाएंगे, आपको वही मतलब आपका ऑर्डर वगैरह जो भी है ये खुद भी उठ के चले जाते हैं। यानी इंसानों में इंसानियत होनी चाहिए जो यहाँ के ओनर्स में मौजूद है। और मिस्टर खलफान आप क्या कहेंगे, आपको ये रेस्टोरेंट आपको कैसे लगा? अच्छा लगा है, ओवरऑल आपको अच्छा लगा है, सारा सिस्टम बेहतर है। तो जी ये रिकमेंड करते हैं कि ज़रूर आप अपनी फैमिली के साथ यहाँ पर आएँ, फ्रेंड्स के साथ आएँ, और स्पेशली वो लोग जो कि कोहाट से बाहर आपसे मिलने आते हैं, आपके रिश्तेदार दोस्त, उनको ज़रूर आप लेकर आएँ हुजरा रेस्टोरेंट कोहाट। दूसरी बात ये कि ये मेरा छोटा भाई अगले साल इलेक्शन के लिए खड़ा होगा, इसकी उसका टिकट है, इसलिए इंतखाब निशान होगा। सर मैं आपको मोबाइल छुपाऊंगा है खलवान, ये सच है, ये तुम्हारा इंतखाबी निशान है, इंतखाबी कोट है। लेटूंगा ये सब बात की है, एक मिनट चिपलेट नरम फिर है, हाँ इसके ऊपर रहे तो बस गर्म रहेगी ना। ये सर के सर का ये आप ले लो, ये उधर है इस साइड पे सारे ये रूम्स बने हुए हैं, काफी सारे
काफ़ी सारे रूम्स बने हुए हैं इस साइड पे, इस साइड पे, यहाँ पे वॉशरूम एरिया है, ये पार्किंग एरिया है। कहाँ पे है हमारी गाड़ी, कहाँ है हमारी गाड़ी? कुछ भी ना, यहाँ पे है ये हमारी गाड़ी। लेकर आए हो ना? चलो जी, हमने मारिया को और अम्मी को यहाँ ड्रॉप दे दिए हैं। अल्लाह हाफिज़। ठंड सही जबरदस्त किस्म की थी, लेकिन सलमान और खलफान ने सही रश के घर गए। ओए 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 ओए। और जो बच्चा था तो वो घर ले आए हैं। घर में जो बच्चे थे, हमने कहा चलो घर में जो चिल्लर पार्टी है उसको दे देंगे। तो चलें जी, आज के लिए बस इतना ही। आई होप सो कि आज का भी लोग आपने इन्जॉय किया होगा। हमने मज़ा किया, खाना खाया, टेस्ट किया और आपने मेरे साथ इन्जॉय किया। तो आज के लिए बस इतना ही, और अपनी दुआ में मुझे याद रखें। अल्लाह हाफिज़।